ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रवि शास्त्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद टीम इंडिया के 4 स्टाफ मेंबर को आइसोलेट कर दिया गया है। रवि शास्त्री रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शास्त्री के अलावा बॉलिंग कोच बी अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को आइसोलेट कर दिया गया है। यह सभी होटल में रहेंगे और टीम इंडिया के साथ तब तक यात्रा नहीं करेंगे जब तक मेडिकल टीम से पुष्टि नहीं हो जाती है। हेड कोच की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का भी एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें चौथे दिन खेलने की अनुमति दी गई। BCCI ने इस संबंध में रिलीज जारी कर बताया कि चिकित्सा टीम ने रवि शास्त्री का लेटरल फ्लो जांच किया था, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। एहतियात के तौर पर मुख्य कोच के साथ गेंदबाजी कोच अरुण, क्षेत्ररक्षण कोच आर सिद्धर और मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को पृथकवास कर दिया गया। भारतीय टीम मंगलवार को मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। जिन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, अगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तभी वह टीम के साथ जुड़ पाएंगे। खेल जगत और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।